नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कमेटी चौक से, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए किस तरह से लगातार पुलिस मुस्तैद है। थाना शहर के जो SHO हैं संदीप कुमार, खुद मौके पर पहुंचे हुए। DSP जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं तमाम दुकानदारों से बातचीत करने के लिए कि लॉकडाउन में सहयोग करें पुलिस का और प्रशासन का। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो के इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीर इस समय आप करनाल से देख रहे हैं, जहां पर करनाल में लॉकडाउन की पालना के लिए किस तरह से लगातार DSP स्तर के अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन की पालना करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन पहले जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी सख्ती से लॉकडाउन को लागू करवाया जा सके इसके लिए आप देख सकते हैं कि SHO सिटी खुद मौके पर अपने पुलिस दल बल के साथ पहुंचे हुए हैं। DSP करनाल हैं, खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं और नाके लगवाकर कहा जा रहा है कि रास्तों को बंद किया जाए, ताकि जो वाहन इस समय चल रहे हैं उन वाहनों की चहल पहल को रोका जा सके। तो DSP जगदीप सिंह दूहन हैं, आप देख सकते हैं कि खुद मौके पर पहुँचे और यहाँ पर नाके लगवाकर कमेटी चौक में रास्तों को बंद करवाया जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीर इस समय करनाल के कमेटी चौक से आप देख रहे हैं, जहां पर लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो सड़कों पर दोपहर के समय भी जुटा हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो आपको नहीं कह रहा सर कुछ, हाँ जी हाँ जी, जाइए सर प्लीज़। अब देख सकते हैं कि जो भी लोग इस समय सड़कों पर हैं सभी से अब जांच की जाएगी, क्योंकि समय लगभग 1:30 बजे का हो चुका है और लगातार जो करनाल के SP हैं DC हैं खुद अपनी मॉनिटरिंग में किस तरह से चेकिंग कर रहे हैं। DSP साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे? लॉकडाउन पिछली बार जैसा ही है, लेकिन चहल पहल थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अभी लोगों को यही है कि भाई कोई मेडिसिन लेने आया, कोई बैंक के कार्य से आया है, ठीक, और उनको समझाया जा रहा है। बगैर बात के कोई अगर घूमता मिल रहा तो उसके कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। एक तो सख्ती का काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। काफ़ी देर से हम भी खड़े थे साथ में, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने मास्क ना लगाया हो, तो कहीं ना कहीं लोग समझ तो रहे हैं। भाई लोगों से यही अपील है कि भाई जो गाइडलाइन ऊपर से सरकार की तरफ से आई है उसको पूरा रखें, धन्यवाद, उसकी पालना करें और ये थे जगदीप सिंह ढुल हैं, DSP करनाल हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद ही सड़कों पर उतर कर नाके देख सकते हैं आप लगवाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो तमाम लोग हैं उनसे लॉकडाउन की जो पालना है वो करवाई जा सके। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहां पर निकल रहे हैं सभी के मास्क तक लगाए हुए हैं और काफ़ी देर से पिछले कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को पकड़ा जा सके जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर हैं। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि करनाल पुलिस की जो सख्ती है वो कहीं ना कहीं काम आ रही है और मास्क जो है वो सभी लोगों ने लगाए हुए हैं, मुंह को सभी लोगों ने ढका हुआ है। सबसे जांच की जा रही है कि कौन किस कारण से घरों से बाहर निकला है, क्या कुछ रीज़न है जो लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि मास्क के जो चालान हैं फिलहाल करनाल पुलिस नहीं कर पा रही, क्योंकि लोगों ने जो मास्क हैं वो पूरे तरीके से लगाए हुए हैं, सख्ती का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। मास्क लगा लो भैया, मास्क लगा लो। अब देख सकते हैं कि खुद जो SHO सिटी हैं अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं। अभी DSP जगदीप सिंह दूहन भी मौके पर पहुंचे थे और तमाम लोगों से जांच पड़ताल की जा रही है। सर, सख्ती का असर तो दिख रहा है कि मास्क कम से कम लोगों ने लगाए हुए हैं। देखिए, पहले मास्क चलान करने के लिए ज़्यादा मास्क चलान होते थे और टाइम कम लगता था, लेकिन अब हमने कभी करना कल लगाया हुआ, अभी तक बिना विदाउट मास्क का भी कोई मिला नहीं है। लेकिन जो पब्लिक ये घूम रही है, इनसे पूछ रहे हैं कि कोई काम से आए या बिना बात के आए, तो इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। सर, पिछली बार सख्ती काफ़ी ज़्यादा थी, इस बार लोग काफ़ी सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो परमिशंस ज़्यादा दे दी है सरकार ने, क्या इसका कारण है? ये ज़्यादा इशू ये है कि कन्फेक्शनरीज होगी, अपना बेकरीज होगी, मतलब काफ़ी बाज़ार काफ़ी खुला है, जिससे थोड़ी दिक्कत आ रही है हमें। अदरवाइज सैटरडे संडे और मंडे को तो बहुत बढ़िया रहा। तो बात करिए, हमने SP साहब से भी रिक्वेस्ट करी, तो देखते हैं कल और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। DSP साहब भी आए थे? हाँ, DSP दून साहब भी आए। तो अब देख सकते हैं कि लगातार जो वाहन है सड़कों पर निकल रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो लॉकडाउन किस तरह से चल रहा है और लॉकडाउन में किस तरह से पालना करवाते हुए पुलिस मुलाजिम तमाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो चौक है उसको चारों तरफ से सील
किया जा रहा है कि जो लोग हैं वो बाहर ना निकलें, सीलिंग की जाए पूरे इलाके की और लगातार जो वाहन है उनकी जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। दोपहर की ये तस्वीरें और चिलचिलाती धूप में भी किस तरह से लगातार जो पुलिस है वो चालानिंग यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है, लोगों की चेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मास्क की जाँच की जा रही है, क्यों लोग घरों से बाहर निकले हैं ये चेक किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो भी लोग यहां पर दिख रहे हैं सभी की चेकिंग की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिर लोग किस वजह से घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। आप देख सकते हैं कि अच्छी बात यह है कि मास्क हर एक व्यक्ति ने डाला हुआ है और मास्क को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्ती करनाल में दिखाई दे रही है कि आखिर जो लोग हैं वो मास्क कितना डाल रहे हैं। हर वाहन को, ई रिक्शा को, हर एक को चेक किया जा रहा है। जिन्होंने मास्क नहीं डाले उनकी चालानिंग की जानी है, लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल पाया जिसने मास्क ना डाला हो। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। आप देख सकते हैं थाना शहर की जो टीम है वो तमाम मौके पर मौजूद है, हर एक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है, जाँच की जा रही है कि कौन लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और बिना कारण के लोग सड़कों पर ना हों, इसलिए हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है, हर एक वाहन की जांच की जा रही है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीर इस समय आप करनाल से देख रहे हैं जहां पर तमाम वाहनों की चेकिंग करती हुई जो पुलिस है वो दिखाई दे रही है, तमाम लोगों की चेकिंग करती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। देखा जा रहा है कि लोगों ने मास्क डाले हुए हैं या नहीं डाले, देखा जा रहा है कि लोग बिना कारण के तो सड़कों पर नहीं निकल रहे। डिलीवरी वाले क्या काम था? पैसे लेने गए थे सर, पता नहीं लॉकडाउन लग रहा है, पैसे लेने गए थे, क्या जरूरी काम था? आप देख सकते हैं कि अभी भी जो लोग हैं कहीं ना कहीं उस स्तर पर गंभीर नहीं है। कोई कह रहा है कि मैं पैसे लेने के लिए गया था, कोई अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। तमाम जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं, किसी के पास कोई परमिशन है तो कोई अस्पताल की बात बताकर यहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। सीधी तस्वीर इस समय आप करनाल से देख रहे हैं जहाँ पर जो वाहन है वाहनों की चेकिंग करते हुए जो पुलिस अधिकारी हैं वो नज़र आ रहे हैं और एक एक वाहन को रोक कर चेक किया जा रहा है कि आखिर किस वजह से जो लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। सीधी तस्वीर इस समय करनाल से आप देख रहे हैं जहाँ पर कमेटी चौक पर पुलिस चेकिंग करती हुई दिखाई दे रही है और कहा यह जा रहा है कि सुबह से अभी तक एक भी चालान पुलिस नहीं कर पाई क्योंकि अभी तक कोई भी विदाउट मास्क यहाँ पर नजर नहीं आया। आप देख रहे हैं 24, मैं हूँ कृष्ण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।